His question is, in a group, consensus prevails. In a group, not everything will happen as per my desires. So what do I do then? It is not important what you do then. What is important is whether you understand what is happening. What is important is whether you understand what is happening. And the beginning of that understanding is right now. आप जो अभी है वही तो उस ग्रुप में जाएंगे ना. कैन अ ब्यूटिफुल ट्री इमर्ज फ्रॉम अ रॉटन सीड? कैन अ हेल्दी टुमारो कम फ्रॉम अ रॉटन टुडे? इफ यू आर इनअटेंटिव राइट नाउ, इज इट पॉसिबल दैट टुमारो यू विल सडनली डेवलप द वर्च्यूज ऑफ अटेंशन? तो ये मत पूछिए कि उस ग्रुप में मुझे क्या करना होगा. जो आप अभी हैं यही उस ग्रुप में भी जाएगा. लोग आते हैं, जब मेरे करियर में ऐसा ऐसा होगा तब मैं क्या करूंगा. अगर तुम जैसे अभी हो ऐसे ही रह गए तो तुम जो भी करोगे गलती करोगे. फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम जो भी करोगे गलत करोगे. यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन, देन टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन राइट नाउ हियर. I am the one who is agreeing to be in a group. Do I understand what it means to be a part of this group? हम सब बहुत सारे circles का हिस्सा रहते हैं. क्या हमें पता भी है कि उस circle में होने का क्या अर्थ है? For sure, the ego is attracted towards what pleases the ego. For sure, ignorance is attracted towards what reinforces the ignorance. हम अपने दोस्त बिल्कुल वही चुनते हैं जो हमको इग्नोरेंट रहने में मदद करें. अगर हमें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हमारी ईगो को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी आइडेंटिटीज को तोड़ दे तो हम उसकी जान लेने में उतार हो जाएंगे. कृष्ण वॉज रिलेटिव अ गाइड बट फॉरमोस्ट अ फ्रेंड टू अर्जुन. एंड दैट इज वाई the Gita could result. And look at the kind of friends we choose. Look at the kind of people we attract towards ourselves. When you say I'm part of a group, ask yourself, is this group pulling me up or does this group keep bringing me down? Is this group helpful in my aloneness, in my individuality? Or have I taken to this group because I'm so insecure? And I assure you, we attract people only of those kind that are helpful in maintaining the ego. We attract people only of a kind that help maintain our ignorance. तो ग्रुप में वोटिंग हो रही है, क्या हो रही है फर्क नहीं पड़ता. क्या राइट एक्शन है वो आप खुद जान जाओगे जब आप अटेंशन के साथ उसको समझोगे. और समझने की शुरुआत तब नहीं है जब वोटिंग शुरू हो गई है, वो समझने की शुरुआत तब है जब आप ये स्वीकार करते हो कि मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनना है. आई गो बैक टू योर द पिक्स ऑन योर फेसबुक अकाउंट. ऑफन स्टूडेंट्स पिक अप पुट अप पिक्स इन विच दे आर शोन विद देयर फ्रेंड्स. तो चार यार होंगे और चारों ने एक दूसरे के घर में बाहर डाल रखे होंगे और फोटो उन्होंने फेसबुक पे लगा रखी होगी. एंड यू लुक केयरफुली एट इट, लुक इंटेलिजेंटली एट इट, एंड यू विल कम टू सी दैट दीस फोर आर बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ईच अदर. एक दूसरे का सबसे ज्यादा नुकसान यही चारों करते हैं. इनकी शक्लों पर दिखाई दे रही है इग्नोरेंस और उस इग्नोरेंस ने ही इनको चारों को आपस में बांध रखा है. इनका आपस में जो बांधने का धागा है वो इनका अज्ञान ही है. यू टेक अवे दैट इग्नोरेंस. अगर इनमें से आज कोई एक समझदारी की बात करने लग जाए तो ये बाकी दिन उसको भगा देंगे. ये चारों साथ है ही इसीलिए क्योंकि चारों अंधेरे में हैं. अंधेरा हटा दो इनकी दोस्ती टूट जाएगी. सो लुक एट दैट ग्रुप, डू नॉट आस्क मी व्हाट टू डू इन दैट ग्रुप.
Yes. Yes, yes, please. So, you told us that we should make a gate with all the books that are holding. I am not getting you. Louder. Bolo. You told us that we should make a gate with all the books holding us. For all the ropes, yes. Instead of getting pulled in any one of the directions. Yes. So, are you telling us to attain the state of bliss? Even if I say yes, attain the state of bliss, what will you make out of it? If I tell you yes, I am telling you to eat a dish called Parkins, what will you make out of it? मैं आपसे बोलूँ हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि Parkins खाना बहुत अच्छा रहता है and Parkins is very tasty. इससे आपको क्या पता चलेगा? ब्लिस आपके लिए एक शब्द है कि उसी तरह जैसे पार्किंस आपके लिए एक शब्द है, एक शब्द से ज्यादा कुछ भी नहीं है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड ब्लिस? वी नो द वर्ड बी एल आई एस एस. आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं आपको ब्लिस की तरफ ले जा रहा हूँ? मैं कहूँ हाँ तो भी क्या हो जाएगा, मैं कहूँ ना तो भी क्या हो जाएगा? आपको ब्लिस का कुछ पता है? आपको कुछ भी पता है? मैंने कह दिया हाँ ले जा रहा हूं, उससे तो ब्लिस मिल गई, ब्लिस मिल गई. मैं कहूं नहीं, तुम्हारी ब्लिस छिन गई, ब्लिस थी तुम्हारे पास. हम क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लगातार जिनका हमें कुछ पता नहीं? लव वॉज वन वर्ड, वन सच वर्ड, एंड नाउ ब्लिस इज अनदर सच वर्ड. हमें किसी ने बता दिया है कि कोई बहुत अच्छी चीज होती होगी ब्लिस, हमें लगता है कि कुछ होगा, मुझे कुछ अनुभव है उसका अपना, या बस किसी अदर ने बता दिया है, कहीं मैंने सुन लिया है, कहीं पढ़ लिया है. कोई आया, आज मैंने पार्किंस खाया, बहुत सही था. मैंने कहा पार्किंस बहुत ही सही होता है. तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? व्हाट डू यू नो? हाउ डज इट मैटर कि मैं तुम्हें किधर को ले जा रहा हूं? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? यू आर अगेन लुकिंग एट अ पर्पस. यू नो व्हाट यू आर आस्किंग मी, सर इज देयर अ पर्पस टू योर टॉक? हम ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इसका ये पर्पस है कि हमें कुछ ब्लिस जैसा मिल जाए? मैं कह रहा हूं पर्पस पे जा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें उतना समझ में आ रहा है इतना अभी कहा जा रहा है? इसके आगे क्या होगा इसकी परवाह छोड़ो, अभी जो बात हो रही है उसको समझ लो, आगे जो होना होगा होगा, तुम्हें फिर क्यों है? Must I be bothered about what will result out of this? But we are always bothered क्योंकि जीवन में हमने बिना रिजल्ट की परवाह करे कभी कुछ करा ही नहीं. हम जो करते हैं रिजल्ट के लिए करते हैं, कभी अपने लिए तो कुछ करते नहीं. तो इसीलिए अभी आप सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसको मत सोचिए.